नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आप जैसे देख रहे हैं कि यूपी पावर कॉरपोरेशन जो है एक तरह से उसी में एक उसका अलग से विभाग है जिसका नाम है आपका UPRVUNL। ठीक है, इन दोनों में मैं डिफरेंस बताऊंगा क्योंकि दोनों की वैकेंसी आप देख रहे हो लगातार, अगर मैं बात करूँ 10-15 दिनों से चाहे एक महीने पिछले एक महीने से, तो कहीं ना कहीं इन दोनों की वैकेंसियाँ आती रहती हैं। ठीक है, तो इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, इनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, पोस्टिंग कहाँ होती है, कहाँ पे आपको पोस्ट किया जाता है UPPCL में और इस वाले में जो राज्य विद्युत विभाग उत्पादन निगम लिमिटेड है इस वाले में। ठीक है, ऑलमोस्ट दोनों की जो जॉब प्रोफाइल है वो सेम है, काम वही करना है, वेतन भी आपको सेम मिल रहा है। तो इसी क्रम में अभी UPPCL में कंप्यूटर असिस्टेंट के 3 पोस्ट आए थे, लेकिन यहाँ पर आपके थोड़ा सा ज़्यादा पोस्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक है। तो जो लोग भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में इसको भी कर सकते हैं क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपका सेम है। ठीक है ना, कुछ भी चेंजेस नहीं है, A to Z जितना उसमें बताया गया है उतना ही इसमें है। थोड़ा सा माइनर जो डिफरेंस है सिलेबस और पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस है वो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो जो लोग भी नए हैं चैनल पर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्हें भी UPPCL की तैयारी करना है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट उसमें तो काफ़ी पोस्ट है आपकी 1000+, और अगर इसकी करना है कंप्यूटर असिस्टेंट का तो टीम के द्वारा दोनों कोर्स आपके चलाए जा रहे हैं। आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से और उस पर रजिस्टर करने के बाद जाकर क्या करो, आप जो भी कोर्स आपको पढ़ना है आप उसे चूज करके पेमेंट करके आप पढ़ सकते हो। दोनों कोर्स की जो फीस है वो 599 ऑफर चल रहा है, ऑफर प्राइस 599 पे है, तो आप लोग इसे वहां से परचेस करके पढ़ सकते हो। सब कुछ पूरे विधिवत रूप से पढ़ाया जा रहा है। तो इस वैकेंसी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो कंप्यूटर असिस्टेंट आई है उसमें आप लोग देख लो कि जो पोस्ट है आपका कंप्यूटर सहायक का वो टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जनरल में 12 पोस्ट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर में 9 पोस्ट है, SC में 7 है, ST में 0 है, EWS में 3 पोस्ट है और PW जो आपके फिजिकल डिसेबल वाले हैं उसमें 1 है, और ESM में भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है, और यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के लिए कोई भी पोस्ट आपको नहीं देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जो है आपका कहीं ना कहीं 12 यहाँ पे देखो 7, 3, 10, 11, 12 ये हो गया, अब 12 और 9, ठीक है, 21 और यहाँ पे आपका 2, 1, 3, 33 पोस्ट के अप्रोक्स में आया है। ठीक है, 33 पोस्ट के अप्रोक्स में आपका ये पूरी भर्ती आई है। तो आगे अगर हम थोड़ा सा देख लें इसमें कि आपके जानने लायक क्या है, बाकी सब कुछ आपका सेम ही है। हाँ, वेतन की बात करें तो वेतन आपका सेम है जितना आपको एग्जीक्यूटिव में है, 27,200 लेवल 4 का, वही सब आपका यहाँ पर भी है। ओवरऑल इन हैंड जो सैलरी आपके पास पहले बनेगी सब कुछ डीए हुए लेकर और आपको जो एचआरए उचारे सब लेकर जो भी आपका सैलरी बनेगा 34,000 के अप्रोक्स में आपका बनेगा। ठीक है, 34,000 में बनेगा, तो यहाँ पर वही सेम सैलरी है आपका। हाँ, जो बच्चे ये जान लें कि UPPCL में और इसमें क्या अंतर है, तो UPPCL और यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है, इसमें आपका क्या अंतर है दोनों में, ये जो है आपका क्या है पावर जनरेशन का काम करता है, जहां पर आपकी बिजली उत्पादन होता है, जो पावर प्लांट होते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट हो गए, हाइड्रो पावर प्लांट हो गए, वहां पे आपको ये मिलेगा। ठीक है, इनका वो काम होता है कि जनरेशन को देखते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए इसमें कार्यकारी सहायक वाली वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई है, एग्जीक्यूटिव वाली। इसमें जो भी वैकेंसियाँ आती हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं आती, कम ही आती हैं, चाहे वो कितनी भी हों, इसमें आपकी ज़्यादा कम होती रहती हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो जनरेशन वाले में होता है, बस ये दोनों ही एक ही उसके रोल हैं, पावर आपके कॉरपोरेशन के ही लोग हैं, लेकिन दोनों का थोड़ा सा काम जो है आपका डिवाइड कर दिया गया है कि ये जनरेशन का काम देखेंगी और ये सप्लाई का काम देखेंगी और डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखेंगी। आ जाओ यहाँ पे, उसके बाद से सैलरी आपकी ऑलमोस्ट वही रहेगी। उसके बाद से अगर हम बात करें यहाँ पे आयु में जो छूट आपको मिलती है वो वही है सेम आपका। देखो SC के लिए आपका नॉन, यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश की मूल निवासी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। ठीक है, उसके बाद से भूतपूर्व, अगर आप ESM में हैं, अगर 5 वर्ष तक आपने सेवा किया है भूतपूर्व सैनिक में, तो आपको 3 वर्ष का आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे बोला गया है।
ठीक है, 40, और जो पीडब्ल्यूडी मतलब आएंगे फिजिकल डिसेबल, 40% से ऊपर होना चाहिए आपकी डिसेबिलिटी, तभी आपको 15 वर्ष की जो है छूट मिलेगी, इसमें ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से शैक्षिक अर्हता क्या है भैया, आपको स्नातक होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, इसको कौन भर सकता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, समझ रहे हो। और टाइपिंग जो होगी आप ध्यान रखना, यूपी पीसीएल हो चाहे आपका यूपीआरवी यूएनएल वाला हो, इसमें आपका कृतिदेव 010 या 016 का जो फॉन्ट होता है वही मांगता है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वो भी सब कुछ सेम ही है, कुछ भी आपका डिफरेंस नहीं है। हाँ, किसको किसको नॉट अलाउ किया, बोला है कि जो डिस्टेंस लर्निंग से आपके डिग्री प्राप्त किए हैं वो मान्य नहीं होंगे, वो अभ्यर्थी डिस्टेंस लर्निंग से अगर बैचलर डिग्री आपने लिया है तो मान्य नहीं होंगे, और आवेदन के समय तक आपने अगर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, आपका मतलब मार्क्स का वो आ गया कि आप पास्ड हो, भला ही आपका मार्क्सशीट नहीं आया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आरक्षण की बात किया जाए तो एससी तथा अन्य पिछड़ा के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस, अन्य क्षैतिज आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य में लागू जो नियम अनुसार आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा, ठीक है। आरक्षण का लाभ लेने हेतु उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना आवश्यक है, अगर आप मूल निवासी नहीं है तो आप जनरल में काउंट किए जाओगे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पे आपको फीस दिया है कि कितना आपको लगेगा, उसके बाद से हम लोग अगर थोड़ा सा आ जाए, हाँ यहाँ पे अगर पाठ्यक्रम और चयन की प्रक्रिया अगर हम बताएं कि किस हिसाब से आपका क्या होगा, तो सेम है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, इसमें क्लियर कर दिया है 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, कितने घंटे का, 3 घंटे का होगा, ठीक है। और जो आपके ब्लाइंड कैंडिडेट हैं उनके लिए 4 घंटे का होगा, जो आपके फिजिकली डिसेबल में ब्लाइंड आते हैं उनके लिए पेपर ये 4 घंटे का होगा। उसके बाद से यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि जो आपका पहला पार्ट होगा, भाग प्रथम जो होगा वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी सीबीटी मोड पर, उसमें जो आपका ट्रिपल सी स्तर का कंप्यूटर का ज्ञान जो है आपसे एमसीक्यू, ठीक है, पूछा जाएगा, कितने होंगे, 50 अंक का होगा, 50 क्वेश्चन होगा, लिखा भी है 50 प्रश्न होंगे, 50 अंक का होगा, और यहाँ पर एक प्रश्न 1 अंक का हो गया, और निगेटिव मार्किंग जो है आपकी 1/4 है, कितनी है, ये निगेटिव मार्किंग है, ये तो निगेटिव भी होगा आपका, तो ट्रिपल सी स्तर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, गलत होने पर निगेटिव है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसके मार्क्स जो आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, इसमें आपको सिर्फ 20 अंक लाना अनिवार्य है, बिना इस अगर ये 20 अंक नहीं आया तो आपका अगर आगे की जो भी आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे पेपर वो कोई मतलब नहीं रखता है, आप यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, अगर कंप्यूटर में आपके 20 अंक नहीं आए तो कोई मतलब नहीं रखता है कि आप बाकी जो क्वेश्चन है उसमें आप 180 में तीर मार दिए हो तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, तो इसको पास करना जरूरी है, भला ही इसके मार्क्स जुड़ते नहीं है आपके, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया, और दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो ये आपके मेरिट यहीं से बनेगी, ठीक है। दूसरे पार्ट में भी सेम कंडीशन है आपका, देखो जो आपका एग्जीक्यूटिव का वो है वही सेम है, सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान जो है, यहां देखो जीएस का जो है आपके 25 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन रीजनिंग आपका 45 है, सामान्य हिंदी आपका यहां बोल दिया, किस स्तर का आपका पेपर होगा, इंटरमीडिएट के सामान्य स्तर का होगा, ठीक है, आपका जो है 10+2 लेवल का पेपर होगा, यहां इंग्लिश और हिंदी का वेटेज है 55-55 क्वेश्चन और 45 रीजनिंग का है, टोटल 180 प्रश्न आपके 180 मार्क्स के ये हो गए, समझ में आ रहा है। और ये भी सीबीटी मोड का होगा, 1 अंक का क्वेश्चन होगा, निगेटिव भी आपका सेम है, 1/4 होगा निगेटिव, और यहाँ पे थोड़ा सा उसमें जो नाइट आपका डिस्कस किया था एग्जीक्यूटिव में ऐसा कुछ नहीं बताया है, यहाँ पे थोड़ा सा वो डिफरेंस क्या है, देखो कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी में अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 28%, ठीक है, जो आपका 180 है उसका 28% आपको लाना अनिवार्य है, और अन्य श्रेणियों के लिए चाहे वो ओबीसी हो चाहे जनरल हो उसके लिए आपका क्या लेना जरूरी है, 33%, मतलब पास होना जरूरी है आपको, ठीक है। वो अगर 33 आप नहीं 33% ओबीसी और जनरल वाले नहीं ला पाते हैं तो भैया फिर वो उनका कोई मतलब भी नहीं है, वो तो एक तरह उसके बाद से बाद में जो आप मार्क्स पाओगे उसके बिहाफ पे मेरिट बनेगी, ये तो एक पासिंग क्राइटेरिया आपको रख दिया गया है, उसका कोई मतलब वो खास नहीं होता है, ठीक है। चलो ऐसा नहीं है कि आप 33% पा जाओगे तो आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा, वो मेरिट बनेगा, 33 से ऊपर वालों से फिर मेरिट देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। और तीसरा जो भाग है आपका उसी में एग्जाम में आपका वो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, लेकिन हाँ उसी दिन नहीं होगा, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर क्या उसी दिन होगा, नहीं, पहले आपका 3 घंटे का पेपर हो गया, उसमें जो आप मार्क्स
जो है आओगे 180 में जितने मार्क्स आएंगे आपका जो कट ऑफ बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सेकेंड फेज के लिए 3 गुने बच्चों को बुलाया जाएगा। साफ साफ बोला है 3 गुना बच्चों को क्या किया जाएगा, टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। यहां बोला है सेम चीज आपको कि जो हिंदी टैंकर है वो न्यूनतम उसमें आपको 30 शब्द प्रति मिनट की गति चाहिए, अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप हिंदी में फेल हो जाते हो, अगर आपकी गति नहीं आ पाती है तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, कोई मतलब नहीं रखेगा। ठीक है, अगर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की टैंकर परीक्षा है तो 20 अंक निर्धारित किया गया, मतलब अगर आप हिंदी भी टाइपिंग दे दो उसमें भी पास हो जाओ, और साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश भी टाइपिंग दे देते हो और दोनों में अगर आप पास हो जाते हो तो आपको 20 अंक बोनस के तौर पर मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ हिंदी देते हो, इंग्लिश नहीं देते हो, तो आपको 20 मार्क्स नहीं मिलेगा। यही एग्जीक्यूटिव वाले में भी है। हाँ, अगर ये सोचो कि इंग्लिश दे दें हिंदी ना दें, तो भैया इंग्लिश तो दे दोगे लेकिन हिंदी कंपलसरी है, फेल हो जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा आपके इंग्लिश देने का। ठीक है, आ जाओ। फिर चयन प्रक्रिया में यहाँ साफ साफ बोल दिया है कि आपका क्या होगा, टंकर परीक्षा के आहार जितने लोग होंगे उसके बाद से आपका, क्योंकि 20 अंक का ये भी है तो 200 अंकों में आपको जो भी मार्क्स होगा उसी के बेसिस पर आपका क्या होगा, मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो सब कुछ चेक होगा। अगर उसमें भी आप उल्टा सीधा डॉक्यूमेंट लगाए हो, चाहे कुछ भी फर्जीवाड़ा किए हो, तो साफ साफ लिखा है कि आप पर जो है कार्रवाई की जाएगी, चाहे आपका निरस्त कर दिया जाएगा, कहीं भी जांच होता, चाहे आपको पोस्टिंग भी क्यों ना दे दी गई हो, तभी भी आपका जो है कैंडिडेट क्या हो जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। हाँ, आप कुछ सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो बच्चों के प्रॉब्लम होते हैं वो देख लो। जैसे बोला है ओबीसी का सर्टिफिकेट कहाँ का होना चाहिए, कुछ बच्चे कहते हैं सर सेंटर का है, क्या चलेगा क्या यूपी में? देखो, सेंटर का सर्टिफिकेट जो है वो कई जगह आपका, खासकर यूपी में लोग नहीं लेते हैं। जैसे अगर पुलिस भर्ती बोर्ड की बात किया जाए, वो नहीं एक्सेप्ट किए थे। भाई सिंपल सी बात है, अभी आपके पास समय है और कुछ मैक्सिमम लोग बनवाए होते, जो नहीं बनवाए बनवा लो। यूपी का अगर आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का अगर सर्टिफिकेट है, ठीक है, और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, बोला है कि ये प्रमाण पत्र आपका 31/3/2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, 31/3 मतलब 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनका नहीं होगा वो नहीं कर सकते हैं। अभी आप बनवा चाहो तो बनवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद से सभी श्रेणियों में आरक्षण का लाभ है, तो अभ्यर्थियों को मूल निवास का कई जगह दिया नहीं रहता है, लेकिन यहां पर दिया है कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए, तो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो 20/8/2019 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, 20 अगस्त 2019 के बाद का अगर डोमिसाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं है उससे पुराना है, ठीक है, 2016-17-18 के डोमिसाइल नहीं चलेगा। ठीक है, इसके पीछे के डेट का डोमिसाइल नहीं चलेगा, ये आपको जरूरी जानकारी है जो जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो चाहे ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, यहां पर दे दिया गया है। अब एससी एसटी के बारे में नहीं दिया है तो उसका हो सकता है कि उसके लिए रूल ना हो, लेकिन नया लगा दे रहे हो तो बेटर है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास पत्र प्रमाण पत्र पर आरक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस होने संबंधी प्रमाण पत्र अप्रासंगिक हो उन्हें छोड़कर कि मूल प्रति तथा अभिलेखों की छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ अभिलेख परीक्षण के समय लाएं, मतलब वही आपका जब डीवी होगा तो जो भी आपके हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये सब लेकर आपको पहुंचना है। बाकी आपका जो था मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया। हाँ, कुछ चीजें बताया कि जैसे आपका परीक्षा कहाँ पे होगा, परीक्षा स्थान बता दिया पहले से कि लिखित परीक्षा लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा शहर में होगी। अगर अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती है या घटती है तो परीक्षा केंद्रों में बदलाव होगा, जो आपको कोई जरूरी नहीं है कि वो सूचित करे। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या होगा, लेकिन इतना बोल दिया है तो इसी में से आपका कहीं ना कहीं मिलेगा सेंटर, यही रहने वाला है। ठीक है, अभी आ जाओ। उसके बाद से क्या है, एग्जाम डेट कोई अप्रोक्स दिया है कि नहीं दिया है उसके बारे से हम एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चलो यहां पे आ जाओ। ऑनलाइन आवेदन जो होगा वो आरंभ हो गया है 6/9 से होगा। ठीक है, 6 सितंबर से इसका क्या हो जाएगा, आवेदन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट डेट जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है 6/10, मतलब एक महीना तो यही चल रहा है, अक्टूबर तक तो चल ही रहा है। आवेदन शुल्क जमा करने की भी वही सेम तिथि है, तो एक महीना फॉर्म फिलिंग आपका चलेगा, तो अक्टूबर में तो आपका एग्जाम नहीं होने वाला,
2 महीना और मान लो, उसके बाद नवंबर दिसंबर तक, कहीं ना कहीं दिसंबर लास्ट या जनवरी में कह सकते हो कि इसका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, दिसंबर या जनवरी में आप कह सकते हो कि इसका एग्जाम हो सकता है। तो जो लोग भी तैयारी में लगे हो, तो भाई एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं बोला है कि अक्टूबर में हम लेंगे एग्जाम, सेकेंड वीक में, तो ये आपका उसी सिलेबस पे है, तो ये भी आप फॉर्म फिल ही कर दो, क्योंकि पढ़ तो वही रहे हो, तो फॉर्म फिल करने में मत कोताही करो भैया, पैसा थोड़ा सा मत बताओ, लेकिन आपका हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आप पढ़ तो उसमें पूरी जोर जबरदस्ती से कर ही रहे हो, थोड़ा इसमें सीटें कम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक ही सीट लेना है। तो जिनको भी तैयारी करना है, तो पहले से ही मैंने बता रखा है कि टीम के द्वारा कोर्स चलाया जा रहा है, आप कोर्स से जुड़ सकते हैं। एकदम न्यूनतम फीस में 599 में उच्चतम गुणवत्ता मिल रहा है, लाइव क्लासेस हैं, उसमें पूरी की पूरी नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। और भी जो भी आपको दिक्कत है इससे रिलेटेड, ठीक है, वो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हो, टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। और भी जैसे हमें कोई नोटिफिकेशन चाहे कुछ भी मिलता है, चाहे आपकी समस्याएं जो भी होगी, उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।